हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनील चौहान और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है कि कौन कौन सा सिलेबस, मतलब आपका सिलेबस क्या है। तो आप सिलेबस एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि आपको फर्स्ट पेज में सिलेबस को ही लिखना है। तो यूनिट वन जो है आपके सिलेबस में वो है सॉल्यूशन। ओके, हम यूनिट वन से लेकर यूनिट टेन तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। हो सकता है हम समर वेकेशन में इसको सारा कवर कर लें। यदि आपने मेरे साथ सारी यूनिट को पढ़ा है और साथ साथ आप यदि उनके नोट्स सीक्वेंस से बनाते जाओगे तो आपका आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि नोट्स आपको हमारे हेड एडिटर ही मिलेंगे जो कि हमने खुद ने उनको लिखा है। तो नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाएं और वीडियो देखते जाएं। और वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप या तो व्हाट्सअप नंबर कर व्हाट्सअप पे हमें मैसेज डाल सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं यूनिट वन। तो यूनिट वन में क्या आपका सॉल्यूशन है, यूनिट सेकेंड आपका जो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट थर्ड आपका रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। ओके, यूनिट फोर आपका रहेगा यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, जहाँ पे पढ़ना है हमको। यूनिट फाइव में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। यूनिट सिक्स जो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेवन आपका एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर पढ़ेंगे। यूनिट एट जो रहेगा आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। यूनिट नाइन जो रहेगा आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़ेंगे। और यूनिट टेन जो रहेगा आपका बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट जो है आप सबसे पहले फर्स्ट पेज में इसको मेंशन कर लें। तो हम शुरुआत करेंगे यूनिट वन से। तो यूनिट वन पे चलते हैं हम। और बच्चों, हमारा जो पढ़ने का प्रोसेस रहेगा एक बार उसको आप सुन लें। हमको क्या करना है कि वीडियो को देखना है। मैं यूनिट वन के जितने भी वीडियो आपके बनेंगे उनमें वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो नोट्स आप साथ साथ लिखते जाएं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट वन से। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, ठीक है। हेलो बच्चों, यूनिट वन हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ वो सारे के सारे नोट्स इस वीडियो के लास्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन होता क्या है, तो थोड़ा सा समझ लिया, मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस। तो बच्चों, सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना है, उससे आपको थोड़ा क्लियरली हो जाएगा। देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक यहाँ पर कंटेनर लिया। क्या लिया? कंटेनर। इस कंटेनर में यदि मैं कोई लिक्विड सब्सटेंस ले लूं, ओके, ये मेरे पास है लिक्विड, और इसमें सॉलिड पार्टिकल में डिजोल्व कर दूं, मैंने ये लिया सॉलिड, ओके। अब सॉलिड कोई सा भी हो सकता है, लिक्विड भी कौन सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर NaCl ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ H2, ओके। तो NaCl जो है और H2 है, तो H2 वाटर है और NaCl आपका सॉल्ट होता है। तो इसकी क्वांटिटी में क्या लेता हूँ, हमेशा जब हम एक सॉल्यूशन को बनाते हैं, मतलब मिक्सचर को बनाते हैं, तो ये है आपका लेस क्वांटिटी में और ये है मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। क्या बोला जाता है? सॉल्यूट। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब मैं इन दोनों को यदि ऐड कर दूं, प्लस कर दें इनको, तो यहाँ बन जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यह हम बोल सकते हैं सिंपल वे में, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ओके। अब आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा क्लियरली। अब सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। तो मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं यहां पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो टू वे में करते हैं। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये मैंने याद रखना आपको, फिजिकल स्टेट, ओके। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ये जो दो टाइप है, इसमें ध्यान रखना कि ये आपको जो फिजिकल स्टेट में होता है सॉल्यूशन, वो होता है थ्री टाइप का, हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये होता है फाइव टाइप का। तो आप इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं हम, ओके।
तो चलो हम पढ़ते हैं, बोले फिजिकल स्टेट में जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूशन जो थ्री टाइप का है वो क्या क्या होता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इसका जो टाइप होता है वो होता है गैसेस सॉल्यूशन। कौन सा होता है? गैसेस सॉल्यूशन। तो बच्चों गैसेस सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल की बात करें हम, तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, तो जब गैस में या तो लिक्विड पार्टिकल आ जाए या सॉलिड पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल, तो उससे हमेशा जो फॉर्मेशन होगा वो गैसेस सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल इसका अपन एग्जांपल याद रख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो सभी क्या होता है, वो गैसेस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आता है। ओके, सेकेंड होता है आपका, देखना इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, इसको आपको थोड़ा समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। सेकेंड है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन में ध्यान रखना है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, वाटर इन एल्कोहल या एल्कोहल इन वाटर, जब हम एल्कोहल में वाटर को डिजोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। या हम बात करते हैं सोडा वाटर, देखा होगा आपने सोडा वाटर में क्या होता है कि लिक्विड होता है, लिक्विड में हम गैस को डिजोल्व कर लेते हैं, जो कि हेनरी का लॉ हम पढ़ेंगे उसमें उसको समझ लेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। थर्ड इसका टाइप होता है सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा होता है? सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में एलॉय है ना, एलॉय जैसे मेटल्स की जो एलॉय होती है, मिश्र धातु जो होती है, उनको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये तो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में थ्री टाइप के होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ये मेन चीज़ है क्योंकि आपका जो चैप्टर है, पूरा यूनिट जो है वो कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड है, तो ये हमको थोड़ा सा डीपली समझ लेना है। तो हम भी इसके टाइप जो होते हैं वो फाइव टाइप है। तो जो फर्स्ट टाइप आपका है इसमें वो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो नाम से पता चल रहा है डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा तनु यानी पतला। जैसे इमेजिन करो आप, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने फॉर एग्जांपल 10 लीटर वाटर लिया। कितना लिया? 10 लीटर वाटर, 10 लीटर पानी लिया। अब इसमें मैं यदि 5 ग्राम या 2 ग्राम, कितना 2 ग्राम इसमें मैं साल्ट डाल दूं या सुगर जो भी मिलाना है आपको, क्योंकि हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि हम सॉल्यूशन के टाइप पढ़ा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कब फॉर्मेशन होगा, जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर लेंगे, उसमें बहुत लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे, तो वो हमको क्या फाइंड होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर पानी में जब 2 ग्राम नमक हम डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पर हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लियर भी आपको समझ में आ गया ना डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, यानी हम बोल सकते हैं जिसमें मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, सॉल्यूट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होना चाहिए, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, बट फिर भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कंसंट्रेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा सांद्र यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जैसे अपन चाशनी कैसे बनाते हैं, शुगर सायरप, नाम सुना होगा ना अपने शुगर सायरप का, तो इसमें लिक्विड रहता है। अब इसको मैं जस्ट अपोजिट कर दूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास लिक्विड कितना है, 2 ml मान लो, या अपन एक काम करते थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर 10 ml, क्या लिया, वाटर ले लिया, और यहाँ पर 10 ml वाटर में हम 1 kg, कितना 1 kg शुगर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, शुगर। ओके, चाहो तो इसको 10 ml की जगह 100 ml ले ले। ओके, हमने लिया 100 ml, तो क्या लिया, वाटर। 100 ml वाटर में हमने 1 kg शुगर को डिजोल्व किया, तो यहाँ पर शुगर सायरप बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका सॉल्वेंट कितना कम है, ये आपका सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा, सॉल्वेंट बहुत कम है और सॉल्यूट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसको हम बोल देंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्लियरली आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड टाइप जो इसका होता है, इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं, थर्ड टाइप जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका सेचूरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों सेचूरेटेड जो सॉल्यूशन होगा
उसमें क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, देखो सॉल्यूशन चैप्टर है तो आपको कंटेनर हर बार यहाँ पे यूज़ करना होगा क्योंकि इसी के द्वारा आप हर टॉपिक को समझ पाओगे। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या रहे, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी सॉल्यूशन तो सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनने वाला है, बट यहाँ पर एक डेफिनेट यानी कि हम बोल सकते हैं फिक्स टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहेगा फिक्स्ड रहेगा, याद रखें जो फिक्स्ड टेम्परेचर पर हम यदि सॉल्यूट की क्वांटिटी को और डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब वो बन चुका है। अब यदि हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एक अलग बात है, बट मैं बात क्या कर रहा हूँ सैचुरेटेड की, जब भी बात आए तो फिक्स टेम्परेचर की बात होना चाहिए, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पर हम जो सॉल्यूट है सॉल्यूट की क्वांटिटी को और हम डिजोल्व उसमें नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने शुगर सायरप बनाया ना कि चाशनी को बनाया, अब उसको जब हम रूम टेम्परेचर पर जब कोल्ड हो जाती है ठंडी हो जाती है चाशनी, तो क्या होता है कि क्या आप उसमें फिर अलग से उसी रूम टेम्परेचर पर आप जब शुगर को उसमें मिक्स करोगे तो क्या वो मिक्स होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो उसके बेस में जाके कलेक्ट हो जाएगी, वो सैचुरेटेड हो चुकी है, मतलब सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड में कोई हम अलग से डिजोल्व कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सैचुरेटेड समझ में आया आपको। अब फोर्थ टाइप की बात करें, याद रखना यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर पर यदि हम सॉल्यूट की क्वांटिटी और क्वांटिटी हम डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो रहेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगला जो है फोर्थ वाला, इसको समझना है आपको, फोर्थ आपका इजी है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका जस्ट अपोजिट ध्यान रख लो, या आप ऐसा कह सकते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब ये जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूट की क्वांटिटी को और हम डिजोल्व कर सकते हैं सॉल्यूट की क्वांटिटी, क्योंकि अनसैचुरेटेड है यानी कि कुछ ना कुछ इसमें कमी है, इसीलिए तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें सॉल्यूट हम और डिजोल्व कर सकते हैं, तो होगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियरली। और लास्ट फाइव टाइप जो इसका होता है, ये होता है आपका सुपर, है ना, सुपर सैचुरेटेड। देखो बच्चे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखना सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये हो जाएगा जो सैचुरेटेड है उसको सुपर करना, यानी कि आपने शुगर सायरप बना लिया है उसको, उसमें यदि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें टेम्परेचर को बढ़ा दें और वापस उसमें यदि हम सॉल्यूट को डिजोल्व कर पाए। देखना सॉल्यूट अलग चीज़ है सॉल्वेंट अलग है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यदि बात करें हम, तो इसमें देखिए आप इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड, कितने वर्ड हैं, 6, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सॉल्यूट को सॉल्यूट बोल देते हैं कभी और कभी सॉल्वेंट को सॉल्यूट बोल देते हैं, तो 6 वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड है। तो ध्यान रखें जिसमें वर्डिंग ज़्यादा, जिसमें लेटर ज़्यादा है, इसमें 7 लेटर हैं तो 7 लेटर बड़े हैं और 6 लेटर कम है, तो जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है, नाम तो याद ही रहेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, बट जिसमें लेटर ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसमें लेटर कम है वो सॉल्यूट है, ये आसानी से आपको याद रहेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बन जाता है। अभी हम बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या करें सॉल्यूट की क्वांटिटी को और डिजोल्व कर दिया हमने, यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं हुई है इसलिए हम डिजोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर होता तो वो सैचुरेटेड था क्योंकि हम उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी को और डिजोल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड है और यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर की कोई बात नहीं हो रही है, बस ये बोला जा रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें यदि हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को और डिजोल्व कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड, है ना बच्चों। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, अभी हम ये दोनों चीज़ याद रखना है कि हमने अभी तक सॉल्यूशन को समझा, सॉल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ा है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने दोनों टाइप पढ़ाए हैं, एक 3 टाइप होता है जो फिजिकल स्टेट के बेस पर होता है और कंसंट्रेशन के बेस पर 5 टाइप का होता है, ओके। अगला जो आपका वीडियो आएगा इसके बाद उसमें हम इसके आगे की चीज़ें को पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना है ताकि बच्चे भी बोरिंग ना हो, बस इतना पढ़ें और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाना, अभी जस्ट मैं नोट्स इसमें अपलोड कर देता हूँ साथ में वीडियो के साथ में, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।